मुझे लगता है हम टीवी का आजकल बुरा वक्त चल रहा है। आपको पता है कि काला डोरिया की कास्ट के साथ क्या क्या हुआ था? जो एक ही मतलब इसमें कंफर्म रही थी वो सना जावेद थी, जो मेल लीड थे मतलब जो मेल करेक्टर थे वो कितने बदले हैं। सबसे पहले फरहान सईद, फिर उस्मान मुख्तार, फिर फरहान सईद, फिर उसके बाद अली रहमान खान, और फाइनली फिर इसमें मतलब उस्मान खालिद बट को कंफर्म किया गया। तो अभी यही कुछ हो रहा है मेरी शहजादी डायना इस ड्रामे के साथ। आपको पता है कि जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी उसके मुताबिक इसमें उर्वा और फरहान होने वाले थे, फिर न्यूज़ आई कि इसमें इमरान अब्बास आ चुके हैं, और फिर वापस से न्यूज़ आई कि इमरान अब्बास ने इस ड्रामे को छोड़ दिया है। और अभी ये भी कन्फर्म हो चुका है कि इस ड्रामे को सिर्फ इमरान अब्बास ने नहीं छोड़ा डेट इशू की वजह से, बल्कि फरहान सईद भी इसे ऑप्ट आउट कर चुके हैं। तो अभी जो इमरान अब्बास वाला पार्ट था उसके लिए लाया गया अली रहमान खान को, और जो फरहान सईद वाला रोल था उसके लिए किसी और बड़े एक्टर को ढूंढा जा रहा है जो इसमें कास्ट हो। और अभी उनका भी पता नहीं कि वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या किस इशू की वजह से वो ड्रामे को छोड़ जाते हैं। अभी जो इसकी कंफर्म स्टार कास्ट है, जिसके BTS वगैरह भी आ चुके हैं, जो आपको कंफर्म इसमें देखने को मिलेंगे, वो होने वाले हैं उर्वा हुसैन, अली रहमान खान, कवी खान, अतीका ओडो, शब्बीर जान, मसूद नुमान, शरीफ बलोच। और इसमें एक बंदे का मुझे मतलब शक है थोड़ा कि वो इसमें हो सकती हैं, वो होने वाली हैं सोनिया मशल। इस ड्रामे को लिखा है जंजबील आसिम शाह ने, इसे कासिम अली मुरीद डायरेक्ट कर रहे हैं। ये MD प्रोडक्शन के बैनर तले बन रहे एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा होने वाला है। और जिस सूरत हाल में इसकी शूटिंग चल रही है, जिस तरह बार बार इसमें ब्रेक्स लग रही हैं, कास्ट चेंज हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि जो इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट थी अक्टूबर, उसको ये अचीव कर पाएगी। और तब तक ये ड्रामा आएगा, ये ड्रामा उससे शायद थोड़ा लेट हो सकता है। तो अभी भी एक करेक्टर की कास्टिंग बाकी रहती है, अगर उसको कर लेते हैं कंप्लीट, फिर जाके इसकी कास्टिंग मुकम्मल हो जाएगी और इसकी शूटिंग फिर स्पीड से मतलब जाएगी आगे। और शायद जो पहली 2-3 एपिसोड की शूटिंग हुई है वो एपिसोड चला दी जाए टीवी पर, और साथ साथ इसकी बाकी एपिसोड की भी शूटिंग होती रहे। तो आप ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं, कि कौन सा एक्टर बड़ा है जिसको इसमें कास्ट करना चाहिए, जो फरहान सईद था उसके करेक्टर की जगह, या आप इस ड्रामे के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।